हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परशुराम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 14th अप्रैल के करेंट अफेयर्स। तो आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम दो बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में, इनफैक्ट भगवान के बारे में, एक को हम भगवान कहते हैं जैनिज्म के लिए और एक को हम भगवान कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो दोनों ही भगवान हैं एक तरीके से, और हम उन्हीं के बारे में, उनकी जयंती के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी कुछ फैक्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो आज है 14th अप्रैल और आज है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और महावीर जयंती। तो आज हम दोनों जयंती के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से आज की क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि SSC GA कोर्स जो आपके लिए लॉन्च किया गया था ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड थे, अब उसमें हम लोगों ने एक और नया फीचर्स इंक्लूड किया है, PYQ। जो भी पिछले CHSL के 3 साल के PYQs हैं सेक्शन वाइज, हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, तो वो भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो परचम के एप्लीकेशन पर विजिट करके आप उसको खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है IQ Arena, उसे भी आप डाउनलोड कर लेंगे जिससे संडे को होने वाले टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन पसंद आता है तो लिंक को शेयर कर देंगे। और हाँ, आप लोगों की लगातार डिमांड थी मॉनसून इन इंडिया के बारे में, तो उसका फर्स्ट पार्ट कल अपलोड हो गया था और सेकंड पार्ट बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आपका मॉनसून जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले बात करते हैं भगवान महावीर के बारे में। सो आज भगवान महावीर जयंती है, जो कि जैनिज्म के प्रचारक माने जाते हैं या फाउंडर ऑफ जैनिज्म जो है वो भगवान महावीर को कहा जाता है। आज इनकी 2621 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, ठीक है। भगवान महावीर 24th नंबर के तीर्थंकर हैं जैन रिलीजन में। बेसिकली जैनिज्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, तो सबसे लास्ट जो तीर्थंकर है वो भगवान महावीर है और सबसे फर्स्ट कौन है, ऋषभ देव है। 23rd की अगर हम तीर्थंकर की बात करते हैं तो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, ठीक है। अगर भगवान महावीर के बारे में बात करें तो भगवान महावीर को वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ है और सिद्धार्थ था, और इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनके जो फादर थे सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ, वो कुंडल ग्राम के राजा थे, और इनकी जो माता थी त्रिशला वो लिच्छवी प्रिंसेस थी। इनका जन्म 540 BC में हुआ था बज्जी किंगडम में, जो आज के समय में अगर देखा जाए तो वैशाली बिहार में पड़ता है, ठीक है। महावीर भगवान जो है वो इक्ष्वाकु डायनेस्ट्री से बिलोंग करते थे। इसके अलावा लॉर्ड महावीर को वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 30 साल की उम्र में घर को त्याग दिया था और सत्य की खोज में या फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए थे। ज्ञान जैनिज्म में ज्ञान को प्राप्त करना कैवल्य कहलाता है, ठीक है। तो इन्होंने 42 की एज में जो है वो कैवल्य जो है ना ज्ञान की प्राप्ति की, 42 की एज में, 30 साल की उम्र में इन्होंने घर को त्यागा था। भगवान महावीर के द्वारा 5 शिक्षाएँ दी गई हैं। सबसे पहले अहिंसा, सत्य, आश्रय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 डिसिप्लिन या जिसको 5 आगम या जैन आगम भी कहा जाता है, ये महावीर भगवान की आपके लिए शिक्षा है। अब यहाँ पे जैनिज्म की अगर बात करते हैं तो जैनिज्म के जितने भी लिटरेचर है, जितना भी साहित्य लिखा गया है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जबकि बौद्ध के अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो वो पाली लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति जो है वो 72 की एज में हुई थी, 468 BC में राजगीर बिहार में, क्लियर। तो इतनी चीज़ें आपको भगवान महावीर के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या, फादर का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। माता जो त्रिशला थी वो लिच्छवी प्रिंसेस थी। किस किंगडम में भगवान महावीर का जन्म हुआ था, तो बज्जी किंगडम, और आज के समय में वो वैशाली बिहार में देखने को मिलेगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भगवान महावीर को किस और नाम से जाना जाता था, तो वर्धमान। ये 24वें तीर्थंकर है जैनिज्म के, और इनका जो सिंबल है वो लायन है, ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना। इन्होंने 5 शिक्षा दी। जैन जो साहित्य है उसको आगम कहा जाता है। इनकी 5 जो थॉट्स हैं या शिक्षाएँ हैं वो है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्तेय, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 30 साल की उम्र में घर को त्यागा था। 42 की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 72 की एज में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जिसको निर्वाण कहा जाता है। कहाँ पर, पावापुरी में, जो वर्तमान में राजगृह बिहार में मिलता है,
468 BC में। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। और लास्ट बात आपको ये याद रखनी है कि जैन साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में है, जबकि बौद्ध साहित्य जो है वो आपको पाली लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आपने देखे होंगे। अगले बात करते हैं हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के बारे में। आज 14 अप्रैल को 131 नंबर का बर्थ एनिवर्सरी बाबा साहब अम्बेडकर की सेलिब्रेट की जा रही है। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 1891 में कहाँ हुआ था? महू। महू कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उस समय सेंट्रल प्रोविजन कहलाता था। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बाबा साहब अम्बेडकर थे। इनफैक्ट हमारा देश जब आज़ाद हो जाता है तो भारत के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी बाबा साहब अम्बेडकर रहते हैं। ठीक है, इन्होंने सोशल बैकवर्ड क्लास या दलित वर्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इनके कामों के लिए इनके मरने के बाद, इनकी डेथ के बाद जो है वो 1990 में इन्हें भारत का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड होता है ना, भारत रत्न, वो भी इन्हें दिया गया था। तो 1990 में इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया था। अब कुछ और बातें बाबा साहब के बारे में हम करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, उसके पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लंदन में। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले पर्सन थे, व्यक्ति थे। जबकि महात्मा गांधी आपको पता है 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अकेले पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा 1932 में जब महात्मा गांधी जी पुणे जेल में होते हैं, यरवदा जेल में, तब अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच में एक पूना पैक्ट साइन किया जाता है। और उस पूना पैक्ट में अंबेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरल या सेपरेट इलेक्शन दलित वर्ग के लिए करते हैं। हालांकि वो सेपरेट इलेक्शन की डिमांड महात्मा गांधी फुलफिल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिप्रेस्ड क्लास के लिए सीट है, रिजर्वेशन की सीट, उनको इंक्रीज कर दिया जाता है। 71 से 147 सीट्स हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हिल्टन एंड कमीशन के बारे में आपने सुना होगा, जिसने हमको बताया था कि RBI की स्थापना हमको करनी चाहिए। ये आइडिया बाबा साहब अम्बेडकर का भी था कि भारत का एक रिजर्व बैंक होना चाहिए या एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। इसके अलावा 1947 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो PM नेहरू के इनविटेशन से भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बनते हैं और कैबिनेट में शामिल हो जाते हैं। लेकिन 1951 में कैबिनेट को छोड़ देते हैं और कैबिनेट को छोड़ने के बाद ही बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और 6 दिसंबर 1956 को इनका महापरिनिर्वाण दिवस या शहीद हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। चैत्र भूमि मेमोरियल है बाबा साहब अम्बेडकर का, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में है। अब ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियन तो थे ही, लॉयर भी थे, साथ ही साथ एक बहुत अच्छे ऑथर भी थे। तो इनके द्वारा काफ़ी सारे काम किए गए हैं। तो कुछ जनरल हैं जैसे कि मूक नायक 1920 में, इसके अलावा बहिष्कृत भारत 1927 में, समाथा 1929 में और जनता 1930 में। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में। कुछ बुक्स भी यहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखी गई हैं, जैसे कि द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू व्यूमेन, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल। ये सारी बुक्स भी बाबा साहब अंबेडकर की हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं अपने करेंट न्यूज़ के बारे में। नेम द इंडियन सिटी विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय द FAO। FAO मतलब वर्ल्ड, FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक सब्सिडरी है, जो कि 16 अक्टूबर 1945 को बनी थी। ठीक है, रोम इटली में इसका हेड ऑफिस है, लेकिन ये इसका बनाया कहाँ पे गया था? क्यूबेक कनाडा में। ठीक है, आपको याद रखना इसका हेड ऑफिस रोम इटली में 1945 में बना था। तो FAO के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और उसके द्वारा 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अनाउंस की गई है। तो भारत की 2 सिटी जो है वो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल की गई है, एक है मुंबई और दूसरी है हैदराबाद। ये हैदराबाद के लिए पहली बार नहीं है, लास्ट ईयर अगर हम 2020 की रिपोर्ट देखेंगे तो 2020 में भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में हैदराबाद शामिल था। इस बार भी हैदराबाद को शामिल किया गया है। तो 2 सिटी हैं याद रखेंगे, मुंबई और हैदराबाद। The two Indian cities have won the recognition for their commitment to growing and maintenance urban trees, greeneries in building healthy, resilient and happy cities. ठीक है, यहाँ पर हैदराबाद और मुंबई के अलावा 21 कंट्री की 130 सिटीज़ को यहाँ पे शामिल किया गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। हेड ऑफिस कहाँ है FAO का? रोम इटली में है। 16 अक्टूबर 1945 में सेटअप किया गया था, बनाया गया था, फाउंडेड हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग व्यूमेन आर्चरी
विल बी हेल्ड इन विच सिटी। पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये झारखंड के जमशेदपुर में, जमशेदपुर टाटा प्लांट है ना, झारखंड में ही है ना, वहीं टाटा स्टील के द्वारा, यहाँ पे बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, सभी लोग मिलके जो है वो नेशनल रैंकिंग वीमेन आर्चरी टूर्नामेंट करेंगे। इसका फेज़ वन जो है वो 12 से लेकर 13 अप्रैल को होगा। टोटल 6 फेज़ में ये प्रतियोगिता होगी। तो द फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वीमेन आर्चरी कहाँ पर होगी? जमशेदपुर में, झारखंड में होगी, ठीक है। द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यहाँ पे 75 लाख रुपये जो है वो दिए गए हैं खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वीमेन आर्चरी टूर्नामेंट के लिए, जो कि 6 फेजेस में होगी। यहाँ पे जो टूर्नामेंट कंडक्ट कराया जाएगा वो वर्ल्ड आर्चरी जो रूल है ना, उसके अकॉर्डिंग ही सीनियर, जूनियर और अलग अलग कैटेगरी में ये चैंपियनशिप को कंडक्ट कराया जाएगा। द आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोलेब्रेशन विद द झारखंड आर्चरी एसोसिएशन एंड टाटा स्टील, इन तीनों के द्वारा इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो याद रखेंगे जमशेदपुर झारखंड में। नेक्स्ट बात करते हैं, विच एयरपोर्ट हैज़ इमर्ज एज द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट फॉर 2021 एज पर द सर्वे ऑफ एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड। तो ACI की एक रिपोर्ट आई है, इसमें उन्होंने टॉप 10 पूरे वर्ल्ड के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स बताए हैं, जिसमें पैसेंजर सबसे ज़्यादा होते हैं या फिर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके अकॉर्डिंग सबसे जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो USA का है, और सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट में USA में है। टॉप 10 में जो है ना 8 USA के हैं और 2 कौन से हैं? चाइना के हैं। भारत का टॉप 10 में कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अगर टॉप की बात करते तो फर्स्ट नंबर पे है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ATL, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है? मॉन्ट्रियल कैनेडा में है। रिलीज़ द लिस्ट ऑफ द टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड फॉर 2021। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का हेड ऑफिस कहाँ है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद आई, ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड थी, कैनेडा में इसका हेड ऑफिस है। और इसके अकॉर्डिंग जो है एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो टॉप लिस्ट पे आया है। इसमें 75.7 मिलियन पैसेंजर यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, या मतलब इसका क्राउड इतना रहा है इस साल, ठीक है। जिसमें से 8 जो एयरपोर्ट है वो USA के हैं और 2 एयरपोर्ट कहाँ के हैं? चाइना के हैं। आप इस लिस्ट को देख सकते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है, बस टॉप का याद रख लीजिए, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एज पर द डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्हाट वाज द नंबर ऑफ पेटेंट फील्ड इन 2021-2022। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत में कितने पेटेंट फील्ड किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा 66,440। ऐसा डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा पब्लिश किया गया है कि यहाँ पे पहली बार 11 साल में इतने ज़्यादा इंडियन पेटेंट शामिल हुए हैं या किए गए हैं। अगर जनवरी मार्च क्वार्टर में देखते हैं तो लगभग 19,000 पेटेंट एप्लीकेशन फील्ड की गई थी, जिसमें से 10,000 जो है वो इंडियन की थी और 9,000 जो है वो नॉन इंडियन की थी। मतलब लगातार इंडियन पेटेंट की संख्या बढ़ते जा रही है। यहाँ पर आप इस डेटा को देखेंगे, 2014-15 में लगभग 42,000 पेटेंट थे, जबकि 2021-22 में आप देखेंगे 66,000 पेटेंट यहाँ पर हो चुके हैं। द नंबर ऑफ पेटेंट फिलिंग इंक्रीज फ्रॉम द 42,763 इन 2014-15 टू 66,440 इन 2021-2022, मोर देन 50% इंक्रीज। 50% से ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको पेटेंट में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिस तरीके से डिजिटल हो रहा है सब कुछ, तो पेटेंट के लिए जो टाइम लगता है एग्जामिन करने के लिए वो भी रिड्यूस हो गया है। पहले 72 मंथ्स अप्रॉक्स लगते थे, अब 5 से लेकर 23 महीने में जो है यहाँ पर डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए पेटेंट को अप्रूवल दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके पास। चलिए अगली बात करते हैं, विच इंडियन PSU हैज़ वॉन गोल्ड मेडल एट 18th स्कॉच अवार्ड इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी। किस भारतीय PSU ने सामाजिक उत्तरदायी श्रेणी में 80वें स्कॉच पुरस्कार में स्वर्ण पदक जीता है? तो बेसिकली ये जो 18th स्कॉच अवार्ड है ना, वो किसको मिला है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब NMDC को मिला। इन्हें एक गोल्ड मिला है और इन्हें एक सिल्वर मिला है, मतलब इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड और एक सिल्वर, ठीक है। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ये स्टील मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है और ये लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है इंडिया में। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर कौन है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर काम करता है। इसे एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल मिला है 18th स्कॉच समिट में, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। अच्छा, जो 18th स्कॉच समिट हुई है न्यू दिल्ली में, उसकी थीम क्या है? स्टेट ऑफ BFSI एंड PSUs,
NMDC वॉन्ट गोल्ड इन अ कैटेगरी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में इसको गोल्ड मेडल मिला है, और जो प्रोजेक्ट कल्पतारू है उसके लिए इसे सिल्वर मेडल दिया गया है। अगर हम NMDC के बारे में बात करते हैं तो इसका हेड ऑफिस आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा, आई थिंक 1958 में बना था, और चेयरमैन जो है वो सुमित देव है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। आइए अगली बात करते हैं। अब अवार्ड्स की बात हो रही थी तो कल एक और अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021। तो मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड काफ़ी सारे लोगों को दिए गए हैं, लेकिन सबका नाम हमको याद नहीं रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम आपको याद रखना है, जैसे कि तीजन बाई का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, शिवराज सिंह चौहान तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि ये मध्य प्रदेश के CM है। इसके अलावा यहाँ पे आप ही त्रिपाठी जी को देखेंगे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं चेंज और चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021। तो एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी, आप लोगों ने इनको सीरियल वगैरह में देखा होगा। दिव्यांका त्रिपाठी बेसिकली अपने भोपाल से रिलेटेड है, मतलब मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी को मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड 2021 मिला है इनके वर्क के लिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट है, ठीक है। ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी ये भोपाल में हुई थी, कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में, ठीक है। इसके अलावा कुछ और अवार्ड्स दिए गए हैं, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी को अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा फॉर्मर गवर्नर ऑफ UP एंड मिजोरम डॉक्टर अजीज़ कुरेशी को अवार्ड दिया गया है। म्यूज़िक परफॉर्मर पद्म विभूषण तीजन बाई को ये अवार्ड दिया गया है, और मेयर ऑफ इंदौर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर को जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको यहाँ पे कुछ नाम आपको याद रखने हैं जिन्हें चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड USA इन 2022 वॉज विच एडिशन ऑफ द बायलेटरल डायलॉग। अभी रिसेंटली 2+2 मिनिस्टर डायलॉग हुआ है USA और इंडिया का, जो कि इसका 4th एडिशन है। ये कहाँ पर हुआ? Washington DC में हुआ। भारत की तरफ से कौन गया था? तो आप देखेंगे ये राजनाथ सिंह दिख रहे हैं आपको, और ये जयशंकर जी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों पर्सन जो हैं वो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने गए थे। तो 2+2 मिनिस्टर डायलॉग जो है इंडिया और USA के बीच में हुआ, जो कि 4th एडिशन था। थोड़ी सी और बातें करते हैं, 4th एडिशन है, पहली चीज़ तो ये USA और भारत के बीच में हुआ, Washington DC में हुआ। इस बायलेटरल डायलॉग्स में जो है वो रीजनल ग्लोबल इशू और म्यूचुअल इंटरेस्ट पे काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ। भारत की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। अगर हम USA की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन यहाँ पर डेलीगेट्स थे USA की तरफ से। ये तो हो गया 4th एडिशन। अगर हम बात करते हैं 1st एडिशन 2+2 डायलॉग USA और इंडिया के बीच में जो है वो 2018 में हुआ था न्यू दिल्ली में। 1st एडिशन कब हुआ था? 2018 में न्यू दिल्ली में हुआ था। 2nd जो एडिशन था वो Washington DC में हुआ था। फिर 3rd एडिशन जो है वो न्यू दिल्ली भारत में हुआ था। 4th एडिशन अब वापस से Washington DC, मतलब 2018 से शुरुआत हुई है भारत से, फिर USA में, फिर भारत में, और अब फिर USA में। तो ये 4th एडिशन है, क्लियर। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी याद रख लेंगे। चलिए, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लगी मुझे जब इसको रीड कर रही थी, तो मुझे अच्छा लगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट टू द वाइल्ड एनिमल। कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इस कंट्री का नाम है, आप देखेंगे, साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसका नाम है इक्वाडोर, जिसकी कैपिटल क्या है? क्यूटो है, और करेंसी डॉलर ही चलता है। बेसिकली यहाँ से 0° इक्वेटर भी गुजरती है ना, तो इक्वेटर के पास होने के कारण इसका नाम इक्वाडोर है, और इसकी कैपिटल क्या है? क्यूटो। कहाँ पर है ये? साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री, और पहली कंट्री बन गई है जिसने एनिमल, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को के भी लीगल राइट्स की बात की है। अब ये कहानी कैसे शुरू होती है? ये जो मंकी दिख रहा है ना, इसी मंकी से कहानी शुरू होती है। चलो कहानी की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे जो हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री की, इक्वाडोर की जो हाईएस्ट कोर्ट है, उसने फेवर में, एनिमल के फेवर में अपना फोकस करते हुए फैसला दिया है कि लगातार मंकी जो है उनको बुली किया जाता है, उनको उनके हैबिटेट से, उनके जंगलों से निकाल कर जू में डाल दिया जाता है, जिसके कारण जो मंकी हैं या एनिमल हैं उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो नए एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते या बहुत दुखी होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ लीगल राइट्स होने चाहिए। इस तरीके से इक्वाडोर के हाई कोर्ट, जो हाईएस्ट कोर्ट है, उसने फैसला दिया। एक्चुअली कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक 1 month का ओल्ड मंकी था जिसका नाम था एस्ट्रीलिटा, ठीक है। 1 month का था, इसे जंगल से लाया गया, और जंगल से लाने के बाद एक लाइब्रेरियन थी, उन्होंने इसे पेट बना लिया,
ठीक है, अब जंगल से आप उसको लेकर आए, घर में लाए, आपने उसे पेट बना लिया, ठीक है, आपने उसकी केयर किया, सब कुछ किया, और 18 साल तक लाइब्रेरियन के द्वारा मतलब इस मंकी को रखा गया घर में। 2019 में साउथ अमेरिका की इक्वाडोर की जो अथॉरिटीज़ है वो आती है, कहते हैं ये इलीगल है, आप वाइल्ड एनिमल को पेट बना के घर में नहीं रख सकती हैं, और उसको वो ले गए और कहाँ डाल दिया, जू में डाल दिया। जब जू में उसको डाल दिया तो वो बहुत दुखी थी और एक महीने बाद ही वो मर गई। उसके मरने के बाद ये जो लाइब्रेरियन एना थी ना, इन्होंने एक पिटीशन फाइल की, उन्होंने कहा एक बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है, यहाँ पे हम बात करते हैं एनिमल्स के लीगल राइट्स के बारे में, आपने उस मंकी को जो है वो जू में डाला, वो खुश नहीं थी और उसके बाद वो मर गई। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा ये मतलब वहाँ की जो कोर्ट है उसके द्वारा ये फैसला दिखाया सुनाया गया कि लाइब्रेरियन को कहा कि आपने भी गलत किया है, आप 1 month old मंकी को लेकर आई थी, उसके हैबिटेट से लेकर आई थी और आपने घर पर रखा, तो ये भी गलत है, और फिर उसके बाद उनको जू में रखना भी गलत है। इस तरीके से यहाँ पे एक फैसला सुनाया गया, द कोर्ट हैज़ फाइनली स्टेट दैट एनिमल आर सब्जेक्टेड टू राइट प्रोटेक्टेड बाय द राइट ऑफ नेचर। तो ये पूरा मामला इस तरीके से आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू बी रिटायर्ड आउट इन IPL हिस्ट्री। IPL हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्लेयर रिटायर हुआ है, ठीक है। तो IPL इतिहास में संन्यास लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, तो आंसर हो जाएगा R. Ashwin। आर अश्विन ने रिसेंटली ही रिटायरमेंट अनाउंस किया है। आर अश्विन का जो लास्ट अगर मैच बोला जाए तो लखनऊ सुपर जायंट के अगेंस्ट था, जिसमें इन्होंने 28 रन का स्कोर बनाया था। तो आर अश्विन का नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द कॉन्फ्रेंस अमृत समागम वॉज ऑर्गेनाइज बाय द विच मिनिस्टर एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। तो अमृत समागम किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो 2 दिन का ये फेस्टिवल है, न्यू दिल्ली में हो रहा है, 12 और 13 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा अमृत समागम। बेसिकली यहाँ पे अब देखो आधा साल तो गुजर गया है, 15 अगस्त आने को है, हमने पूरा एक साल आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया, बहुत सारे इवेंट्स किए, अब बचे हुए समय को कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्या नए आइडियाज़ होने चाहिए, क्या नया इनिशिएटिव होना चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो उसके लिए ये पूरा सेलिब्रेशन किया गया अमृत समागम, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में जो यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म और कल्चर है, जिनका नाम है जी किशन रेड्डी, उनके द्वारा उत्सव पोर्टल वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया, और डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू शोकेस ऑल इवेंट फेस्टिवल एंड लाइव दर्शन अक्रॉस इंडिया टू प्रमोट डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री एज पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड। तो याद रखेंगे उत्सव पोर्टल वेबसाइट की भी यहाँ पे लॉन्चिंग की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच प्लेयर इज नेम्ड एज द ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द March 2022। March 2022 के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहा है, तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के प्लेयर है जिनका नाम है बाबर आजम। तो ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है, बाबर आजम है, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगर हम ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में बात करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा रचेल हाइंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी है। तो आपको याद रखना है मार्च महीने के लिए बाबर आजम का नाम और रचेल हाइंस का नाम, ये ऑस्ट्रेलिया से, ये पाकिस्तान से, ठीक है। हालांकि ये मार्च का है, तो अभी पेपर होगा तो मार्च का पूछेंगे, बाद में पेपर होगा तो अप्रैल का, मई का, ऐसे हर महीने अलग अलग आते हैं, ठीक है ना। अभी जिनका पेपर है तो उनके लिए मार्च ठीक है, बाकी सभी लोगों का जिनका पेपर नहीं तो उनको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग विल टेक ओवर इंडियाज G20 चीफ कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पे जो आपको पता है ना, G20 को अगर हम चेयरमैनशिप की बात करते 2023 में भारत के पास होगी, है ना। अभी किसके पास है, तो अभी ये इंडोनेशिया के पास है। तो इंडिया G20 चीफ कोऑर्डिनेटर कौन बन गया है, तो आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगला। अच्छा, आपको कुछ दिन पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला थे, अभी ये रिटायर हो गए हैं 30 अप्रैल को, और इनका जो चार्ज है वो VM कोतरा जी के द्वारा ले लिया गया है। अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी कोई और बन चुके हैं, ठीक है। जैसे ही रिटायर हुए तो उनके पास एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, इंडियाज G20 चीफ कोऑर्डिनेटर। द अपॉइंटमेंट इज सिग्निफाइड एज इंडिया विल एज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी ऑन December 1, 2022 फ्रॉम इंडोनेशिया एंड विल
कन्वीन द G20 लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 2023। तो 2023 में पहली बार G20 समिट भारत में होगा, और इंडोनेशिया के पास से जो प्रेसिडेंसी है वो 1 दिसंबर को भारत के पास आ जाएगी। तो यहाँ पे चीफ कोऑर्डिनेटर कौन बन गए हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला जी बन चुके हैं, जो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं सिंस जनवरी 2020, और एक IFS ऑफिसर भी रहे 1984 बैच के। इन्होंने एज अ एम्बेसडर USA, थाईलैंड और बांग्लादेश में सर्व किया है। G20 बाली समिट 2022 इज अ 17th मीटिंग ऑफ G20। तो अभी 17वीं मीटिंग G20 की जो होगी वो कौन होस्ट करने वाला है, बाली मतलब इंडोनेशिया में होगी 15 से 16 नवंबर 2022 को। ठीक है, उसके बाद 1 दिसंबर को प्रेसिडेंसी किसके पास आ जाएगी, दिल्ली में आ जाएगी, और 2023 की जो मीटिंग होगी या जो प्रेसिडेंसी होगी वो किसके पास होगी, इंडिया के पास होगी। बात समझ में आ रही है इतनी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे जो 17th G20 समिट हो रही है 15-16 नवंबर 2022 में बाली इंडोनेशिया में, इसकी थीम क्या है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अगर हम G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 की बात करते हैं तो 19 कंट्री हैं और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को मिला के 20 है। चेयरमैन अभी कौन है, जोको विडोडो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया है। 1999 में G20 नेशन बना था। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंट्रीज, आर्मी फॉर द सेकेंड फेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑन चेतक हेलीकॉप्टर फॉर 6 ऑफिसर। तो यहाँ पर HAL ने किस कंट्री के जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात की है चेतक हेलीकॉप्टर के लिए। तो फ्लाइंग ट्रेनिंग और चेतक हेलीकॉप्टर फॉर 6 ऑफिसर, वो 6 ऑफिसर कहाँ के हैं, नाइजीरिया के हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विथ नाइजीरियन आर्मी फॉर द सेकेंड फेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑन द चेतक हेलीकॉप्टर फॉर द 6 ऑफिसर। ये 70 आवर्स की ट्रेनिंग जो है वो 6 ऑफिसर्स को प्रोवाइड की जाएगी चेतक हेलीकॉप्टर के लिए, और कब कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर 2022 तक ये ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर HAL के बारे में बात करते हैं तो बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है। 23 दिसंबर 1940 को जो है वो HAL बना था, और बालचंद हीराचंद इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेगालिथिक स्टोन एज के बारे में। आपको पता होगा ना, महापाषाण काल आपने सुना होगा, जहाँ पे बड़े बड़े स्टोन से बने हुए पॉट्स, जार, है ना, इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलती है, वो मेगालिथिक स्टोन एज कहलाती है, जिसको हम महापाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो उसके कुछ एविडेंस जो हैं वो हमारे भारत के एक स्टेट में मिले हैं, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है कि हाल ही में किस इंडियन स्टेट में मेगालिथिक स्टोन जार मिले हैं, तो आंसर हो जाएगा असम में। हालांकि अभी इनकी कार्बन डेटिंग नहीं की गई है, अभी हमको नहीं पता है कि कितने पुराने हैं, बहुत जल्दी इनकी कार्बन डेटिंग हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि ये जार कितने पुराने हैं। देखिए, आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप के जार हैं, कुछ जार ओपन हैं, कुछ यहाँ पे कवर हैं, ठीक है, जिनके अंदर सामान वगैरह को रखा जाता होगा। कई 3 से 4 मीटर ऊंचाई के आपको जार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ जार ऐसे भी मिले हैं जिनमें कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है आर्ट वर्क किया गया है। ठीक है, तो असम में इन्हें डिस्कवर किया गया है, खोजा गया है, अभी खुदाई में हमको ये मिले हैं। कार्बन डेटिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, तो कार्बन-14 का यूज़ करते हैं। बेसिकली कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन-12, कार्बन-13 और कार्बन-14। हमारे सराउंडिंग में हमको जनरली जो कार्बन मिलता है वो कार्बन-12 होता है, कार्बन-13 बहुत रेयर होता है, जबकि कार्बन-14 का यूज़ जो है वो कार्बन डेटिंग में किया जाता है। तो अभी इनकी कार्बन डेटिंग होगी और पता लगाया जाएगा कि ये जो मेगालिथिक स्टोन जा रहे हैं ये कितने पुराने हैं। इसके अलावा जो हमारा साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया से भी इसका रिलेशन बताया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके कितने बड़े जार कभी भारत में नहीं मिले हैं। ऐसा नहीं है कि मेगालिथिक स्टोन जार मिले हैं भारत में, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में ये जार कभी नहीं मिले हैं, और ये जार जो है वो लाओस और इंडोनेशिया में भी मिले हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन बताया जा रहा है कि लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार से ये पूरा एक कोई सिविलाइजेशन उस समय हुआ करता था, और ये पूरे एरिया में ये सिविलाइजेशन फैला होगा, इसलिए एक ही प्रकार के जार जो है इस पूरे एरिया में देखने को मिले हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि साउथ एशिया जो है ना, साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ से भी असम के इन जार का रिलेशन सेटअप किया जा रहा है, बताया जा रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इन जार्स के बारे में, तो यहाँ पे लगभग 65 लार्ज सैंडस्टोन जार को यहाँ पे डिस्कवर किया गया है हसाओ डिस्ट्रिक्ट असम में। कहाँ पर, हसाओ डिस्ट्रिक्ट असम में। अगर इसके पहले की बात करते हैं तो 2020 में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी चेन्नई के द्वारा 250 मेगालिथिक स्ट्रक्चर जो हैं वो डिस्कवर किए गए थे इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। इसके अगर हम पहले बात करते हैं तो सबसे पहले असम में जो हसाओ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे मेगालिथिक जार को डिस्कवर किया गया था 1929 में। किसने डिस्कवर किया था इसको, जेम फिलिप मिल्स एंड जॉन हेनरी हटन के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। 6 साइट को खोजा गया था।
फिर यहाँ पे ये पूरी साइट 2014 में ASI के अंदर ले ली गई, फिर 2016 में, 2018 और 2020 में इस तरीके से समय समय पे कुछ कुछ नए एविडेंस हमको इस मेगालिथिक स्टोन एज के मिले हैं। ये जो स्टोन जार है वो टॉल है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, इसके अलावा इनकी हाइट भी 2 से 3 मीटर वाइड है, ठीक है। तो ये आपके जार आपको याद रखना है, असम में हसाओ डिस्ट्रिक्ट में डिस्कवर किए गए हैं और पहली बार कब खोजे गए थे, 1929 में। इन दो पर्सन का नाम अगर याद कर पाओ तो कर लेना, अच्छी बात रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेंटर एक्सटेंडेड 40 करोड़ रिलीफ टू सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 40 करोड़ रुपये का रिलीफ सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी को दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी हम बात करते हैं। बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द ग्रांट 40 करोड़ टू द दलाई लामा सेंट्रल तिब्बतियन रिलीफ कमेटी फॉर अनादर 5 ईयर्स, 2025 to 2026। मतलब ये पहले से ही कमेटी जो बनी है ना, यहाँ पे जो रिफ्यूजीज तिब्बत से आए थे उनके टेम्पररी सेटअप के लिए ये कमेटी बनाई गई है, जो उनके रिलीफ के लिए काम करती है और लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ग्रांट्स देती रहती है। कोई पहली बार ग्रांट नहीं दे रही है, लेकिन अभी जो पेंगोंग लेक के पास है चाइना और गलवान वैली के पास जो चाइना और भारत का स्टैंड ऑफ हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पे कैबिनेट के द्वारा डिसाइड किया गया कि यहाँ पे जो रिलीफ फंड हम देते हैं उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो 40 करोड़ रुपये का ग्रांट यहाँ पर दे दिया गया। बेसिकली इस स्कीम को 2015 में शुरू किया गया था और गवर्नमेंट हर साल जो है वो 8 करोड़ रुपए का ग्रांट देती थी। इस बार 5 साल के लिए 2025-26 तक के लिए 40 करोड़ रुपए का ग्रांट जो है वो सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी को दिया गया है। बेसिकली ये तिब्बतन जो लोग रिफ्यूजीज बन के आए थे उनके सेटलमेंट के लिए काम करता है। अगर हम तिब्बतन रिफ्यूजीज की बात करते तो कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में आपको मेजर कंसंट्रेशन ऑफ तिब्बतन रिफ्यूजीज देखने को मिलेंगी। ये रिफ्यूजीज आना शुरू किए गए तो जब 1959 में दलाई लामा जो है वो तिब्बत से भारत आते हैं, और उसके बाद ही लगातार इन रिफ्यूजीज की संख्या जो है वो भारत में बढ़ती चली गई। तो उनके असिस्टेंट के लिए ये ग्रांट 40 करोड़ रुपए का दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नाइका CEO फाल्गुनी नायर के बारे में, विंस EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इस साल का मतलब 2022 का इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, नाइका फाउंडर एंड CEO फाल्गुनी नायर को दिया गया है। इसके पहले मतलब 2021 की अगर हम बात करते हैं तो ये अवार्ड किसे दिया गया था, बाइकॉन चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ को दिया गया था, और इस बार फाल्गुनी नायर को यह अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड सेरेमनी होगी जून में होगी 2022 में, ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, फाल्गुनी नायर। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चन के बारे में, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। मुझे और भी यहाँ पे जो हॉकी चैम्पियनशिप हुई उसके बारे में भी डिस्कस करना था, यहाँ पे जो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड और माइक्रोसॉफ्ट का MOU साइन हुआ है वो भी डिस्कस करना था। ऐसे कई और भी न्यूज़ हैं जो मैं कल डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सेशन काफ़ी बड़ा हो चुका है ऑलरेडी मेरे हिसाब से। चलिए हम बात करते हैं रिवीजन के बारे में, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हैज़ बीन इलेक्टेड एज द ब्लैंक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कल हमने डिस्कस किया था कि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं पाकिस्तान के, जो कि इमरान खान को रिप्लेस करके बने हुए हैं। ये किस नंबर के प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, तो आंसर हो जाएगा 23rd नंबर के प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ओ हेनरी प्राइज़ फॉर द शॉर्ट स्टोरी के टाइटल गाउनबोरो, ये प्राइज़ किस बंगाली ऑथर को दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा अमर मित्रा को, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। PM दक्ष योजना किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई, तो PM दक्ष योजना शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ स्टॉप द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड वन। तो नीति आयोग के द्वारा जो इंडेक्स पब्लिश किया गया था इसमें कौन सा स्टेट टॉप किया है, तो यहाँ पे लार्ज स्टेट की कैटेगरी में गुजरात और स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में गोवा, और UT में कौन था, चंडीगढ़ था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नाडा बेट सीमा दर्शन प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, किस इंडियन स्टेट में अमित शाह जी के द्वारा सीमा दर्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रचेल हैंस नेम एज अ ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2022, सी रिप्रेजेंट विच कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो अभी हमने डिस्कस किया था ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। अगर वीमेन की जगह मेंस होता यहाँ पे तो आपको पाकिस्तान के प्लेयर का नाम याद होना चाहिए, बाबर आजम, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें,
विच बैंक हैज़ लॉन्च अ न्यू डिपॉजिट स्कीम नेम्ड विकास श्री संपद 1111। इस स्कीम को किसने शुरू किया है? तो कल हमने डिस्कस किया था कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा। इसका हेड ऑफिस कर्नाटका में है। 2005 में कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक बना था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच IIT हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप पॉलीसेंट्रिक प्रो सिंथेटिक नी कदम। तो कदम को किसने लॉन्च किया है? कल हमने कदम के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी। तो आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किन्हें दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी, आशा पारेख, जैकी श्रॉफ, राहुल देशपांडे, ऑल ऑफ द अवब। तो अलग अलग कैटेगरी में इन सभी लोगों को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जाएगा। कब होगा? 24 अप्रैल में। ठीक है, पहली बार दिया जा रहा है ये अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं माधवपुर मेला किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया या कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है माधवपुर मेला? तो माधवपुर मेला जो है वो गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बेसिकली इस मेले की खास बात ये है कि वेस्टर्न इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये जो मेला है ये भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के मिलन को दर्शाता है, और रुक्मणी जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेम द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विच हैज़ बीन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट इन अ पोखरण राजस्थान। तो कौन सी अभी टैंक मिसाइल को टेस्ट किया गया है? तो हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, हेलिना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए, अब कल हमने एक हेलीकॉप्टर के बारे में भी डिस्कस किया था, हेलीकॉप्टर ध्रुव। ठीक है ना, इसे किसके द्वारा शामिल कर लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड। तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो कोस्टल बाउंड्री हमारी, उनको और मजबूती देने के लिए, उनको और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देने के लिए हेलीकॉप्टर ध्रुव को शामिल किया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि 57th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अगर आपको पता है नाम तो आप नाम बताइएगा, साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि ये किस भाषा में, मतलब किस लैंग्वेज में लिटरेचर लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं। जैसे कि हमने 56 नंबर के ज्ञानपीठ अवार्ड डिस्कस किए थे ना, असमी पोएट थे वो, ऐसे ही जो 57th नंबर के ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता हैं वो किस भाषा में लिखते हैं, आप ये भी बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो ये दो बातें आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, और एक बार आप सभी लोगों को हैप्पी महावीर जयंती। टेक केयर।